हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमेशा की तरह हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाएंगे वो है फिनलैंड। वैसे तो दोस्तों फिनलैंड प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी खूबसूरती के लिए बहुत ही जाना जाते हैं। फिर भी दोस्तों हम फिनलैंड के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर आता है सोमेलेना फोर्ट्रेस। दोस्तों ये फोर्ट्रेस फिनलैंड की सबसे खूबसूरत फोर्ट में से एक है। तो दोस्तों अगर आप बीच पर घूमना चाहते हैं और बीच में घूमने की शौक है तो दोस्तों आपको सोमेलेना फोर्ट्रेस में एक बार जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पर आता है फोरबो सिटी। तो दोस्तों ये फिनलैंड की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। तो दोस्तों अगर आप फिनलैंड में आते हैं तो इसकी सुंदरता को जरूर एक बार देखें। तो दोस्तों हमारे देश के थर्ड नंबर पर आता है सेवोलिना सिटी। तो दोस्तों अगर आप सेवोलिना सिटी में आते हैं तो दोस्तों मिक्की चार्ज में एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये फिनलैंड की सबसे ज़्यादा वेटिंग होने वाली चार्ज है। तो दोस्तों अगर आप फिनलैंड में आते हैं तो यहाँ पे बर्फबारी भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस जगह में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आप फिनलैंड में आते हैं तो इस जगह को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आता है हेलसिंकी। ये दोस्तों फिनलैंड की कैपिटल सिटी है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कैपिटल सिटी कितना सुंदर होता है। तो दोस्तों इसी तरह फिनलैंड की ये कैपिटल सिटी इतना सुंदर है कि दोस्तों आप देखकर पूरा का पूरा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतना सुंदर जो है कि आपकी मन यहाँ से आने की मन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप एक बार जाते हैं तो आने की मन नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको अगर फिनलैंड में जाते हो तो इसका कैपिटल सिटी को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के पांचवें नंबर आता है लिबिस्की। ये जगह दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फीता की पहाड़ों से और बर्फीता की गढ़ों से बहुत ही सुंदर दिखता है। तो दोस्तों अगर आप बर्फ की मजा लेना चाहते हैं और बर्फ की तकी ठंडी ठंडी नेचर में रहना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लिबिस्की में एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके सिवा भी दोस्तों इसमें नॉर्थन लाइट भी दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सितंबर और मार्च के महीने में जाते हैं तो दोस्तों आपको नॉर्थन लाइट देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप फिनलैंड में जाते हैं तो इन जगह को जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं।